हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज दी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है डेट इज दी फोर, और जो हमारा टॉपिक है डेट इज दी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसके अंदर हम तीनों ही मेथड करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड भी करेंगे, इनकम मेथड भी करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड भी करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसी तरह इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डेट विल बी ऑन द थ्योरेटिकल वे, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो हमें पता है कि सर्कुलर फ्लो की वजह से क्या है कि अगर हम इनकम को वैल्यू एडिशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम जनरेटेड वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सपेंडिचर विच इज डन ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे हम वैल्यू एडिशन से करें, चाहे हम इनकम से करें, चाहे हम एक्सपेंडिचर से करें, नेशनल इनकम हर एक सिचुएशन के हमारा सेम ही आएगा। तो देयर आर थ्री मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड कह सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है तीन सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है जो कि इंडस्ट्री सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है जो कि सर्विस सेक्टर्स है। तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जो नेशनल इनकम that is measured in terms of the value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year. देखो वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने टिम्बर खरीदा है, टिम्बर आपने 1000 का खरीदा है, आपने उसके अंदर टिम्बर खरीदा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है 5000, तो 5000 माइनस जो वैल्यू ऑफ टिम्बर है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो माइनस कर दी, तो यहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन की है 4000। तो ये हमने नेचुरल इनकम के अंदर लेनी है। तो यहाँ पे हम जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज होते हैं, जो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो वो प्रोडक्शन करते हैं, उनका जो वैल्यू एडिशन होता है उसको जोड़ के हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास आ जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जब हम प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, और इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकें। वैल्यू एडिट का मतलब होता है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है जब उसके अंदर से हम इंटरमीडिएट गुड जो होती है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाती है। जैसे हमने टिम्बर खरीदा 1000 का, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो थी 1000 की थी, और फर्नीचर हमने कन्वर्ट किया 5000 का जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 5000 में से हमने कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू एडिड आ गया 4000। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अकाउंटिंग ईयर के अंदर बनाते हैं, इसका मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर हमारा पूरा का पूरा आउटपुट सेल हो जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है सेल के बराबर होती है, बट अगर आउटपुट कुछ सेल नहीं हो पाता तो उसको हम चेंज इन स्टॉक के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक जो साल के अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचता है, ओपनिंग स्टॉक होता है जो अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग में होता है। तो चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक। अगर पूरा का पूरा माल हमारा सेल नहीं होता तो वहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और उसी तरह चेंज इन स्टॉक को हम मेयर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो चेंज इन स्टॉक जो है दैट इज दी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20,000 जो है दैट इज दी ओपनिंग स्टॉक, 30,000 जो है दैट इज दी क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो है 30,000 माइनस 20,000, तो ये 10,000 आ गया।
देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो कई बार क्लोजिंग स्टॉक कम भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन के अंदर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक 10,000 माइनस 20,000 होगी, -10,000। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग में होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की है उसकी मार्केट वैल्यू, जिसको हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वैल्यू एडेड होता है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसके अंदर से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो गुड्स को हमने रॉ मटेरियल यूज किया है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। तो वैल्यू एडेड होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज की है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वो वस्तु में जो हमने रॉ मटेरियल या हमने जिसको फर्दर सेल के लिए यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखो फैक्टर हमें पता है कि जैसे लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा जो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम उन पे जो खर्चा करते हैं, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। जैसे फार्मर जो है उसने किसान को, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किसान है फ्लोर मिल को वो अपनी गेहूं जो है 600 में सेल करता है। फ्लोर मिल जो है गेहूं जो है 600 में परचेज करता है और वो उसका आटा बना के 800 में सेल करता है। देखो तो यहाँ पे उसने वैल्यूडेशन की है 800 माइनस 600 200। और बेकर जो है वो आटा खरीदता है 800 से, फिर उसकी ब्रेड बना के बेचता है 1000 से। तो बेकर की जो एडिशन है वो है 1000 माइनस 800। उसी तरह शॉपकीपर जो है उसको 1000 में खरीदता है और 1100 में सेल कर देता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू एडेड जो है 100 है, 1100 माइनस 1000। तो इसको हमने टेबल की फॉर्म में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखो पहले जो है वीट जो है सेल की जाती है 600 की, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं यूज की गई, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड है 600। फिर उसको आटा मिल को सेल किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आटा मिल को जब सेल किया जाता है तो उसमें कॉस्ट जो है 600 की है, वो आगे जो है सेल करता है ब्रेड वाले को ताकि वो ब्रेड बना के बेच सके, उसको वो 800 में सेल करता है। तो इसका मतलब है कि उसने वैल्यूडेशन की है 200 की। उसके बाद जो ब्रेड मेकर है वो जो शॉपकीपर है उसको 1100 में सेल करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉरी 1000 में सेल करता है, तो 1000 में उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो है 800, तो यहाँ पे वैल्यूडेशन होती है 200। उसके बाद वो जो है ब्रेड जो है 1000 में सेल करता है और जो शॉपकीपर है वो उसको 1100 में सेल करता है। तो शॉपकीपर के द्वारा जो वैल्यूडेशन है 1100 माइनस 1000 वो 100 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैल्यू एडेड है वो है टोटल 600 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100। तो टोटल हमारी जो वैल्यू एडिशन है वो है 1100। और अगर हम वैल्यू फॉर आउटपुट लेते तो उसके अंदर जो चीज है वो कई बार काउंट काउंट हो जाती है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए क्या है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से क्या होता है कि वैल्यू एडेड जो है लिया जाता है ताकि नेशनल इनकम को एक्यूरेसी के साथ जो है एस्टिमेट किया जा सके। अब हम देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जब वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा हम डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो जब सबको टोटल करके हमारे पास जो वैल्यू आती है डेट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है। जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी वैल्यू एडिशन करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि फाइनल, देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं लेते। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम लेते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास जब हमने वैल्यूएशन टोटल किया सबका,
तो ये आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमने उन सबको टोटल किया तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड, जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये आपने याद रखना है, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होती है, जब ग्रॉस के अंदर से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। और जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब हम इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड की है। तो तीनों जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उनका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है मार्केट प्राइस पे उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और देखो, जब हम उसके अंदर से डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरह ही देखो, जब हम इसके अंदर से इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर से जब हम इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन तो हमारे पास आ जाता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जब इसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। और जब हम इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड था। जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या प्रिकॉशंस यूज करनी है, प्रिकॉशंस का मतलब होता है क्या चीजें हमने कंसिडर करनी है और क्या चीज हमने नहीं लेनी। देखो, जो सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं उनका जो सेल और परचेज होता है उसको वैल्यू एडेड के अंदर नहीं लेना, क्योंकि अगर हम सेकेंड हैंड को ले लेंगे तो दोबारा काउंट हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड जो होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंटेड है। बट अगर जो सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेल और परचेज होती है उस पे कमीशन अर्न किया जाता है तो डैट इज टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि कमीशन इस वजह से मिला है क्योंकि बंदे ने अपनी सर्विसेज रेंडर की है। उसी तरह ही जो हमने अपने लिए प्रोडक्शन की है डैट इज ऑल्सो टेकन इंटू अकाउंट। और उसी तरह ही जो हमने प्रोडक्शन की है जिसके अंदर कुछ हिस्सा मार्केट के अंदर गया है, कुछ हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है, तो जो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है उसको भी हमने वैल्यू एडेड मेथड के अंदर लेना है। उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। और उसी तरह ही देखो, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हमने वैल्यू एडेड के अंदर नहीं लेना, क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। उसी तरह जो व्यक्ति अपने घर में रहता है तो उसका भी इम्प्यूटेड रेंट जो है लेना है नेशनल इनकम के अंदर। इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट। देखो, जो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, जैसे एक टीचर जो है जो वो स्कूल को सर्विसेज देती हैं, डैट इज टेकन इंटू अकाउंट। बट अगर वो घर में अपने बच्चों को टीच करती है तो डैट इज नॉट टेकन इंटू अकाउंट। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होती हैं उसको वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हमने नहीं लेना। और उसी तरह देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं
डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है उससे बचा जाए, क्योंकि डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं तो एक चीज बहुत बार काउंट हो जाती है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग फाइनल आउटपुट मेथड, जिसके अंदर एंड यूज के बेसिस पे जो फाइनल यूज होते हैं उसके बेसिस पे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको कंसिडर किया जाता है। वैल्यू एडेड के अंदर हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, तो जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो वैल्यू एडिशन करते हैं उनको हम टोटल करते हैं। तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड था। सेकंड मेथड जो है हमारा इनकम मेथड है। तो इनकम मेथड जो है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, वो इनकम मेथड से हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इनकम मेथड है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कह सकते हैं, फैक्टर पेमेंट भी मेथड कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो इनकम होती है उसको हम फैक्टर पेमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे लेबर की सर्विसेज हैं तो उसके बदले में उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दी जाती है, लैंड की सर्विसेज के बदले में उसको जो है रेंट दिया जाता है, कैपिटल की सर्विसेज के बदले इंटरेस्ट दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले उसको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस तरह से हम जो फैक्टर्स को फैक्टर पेमेंट मिलती है उस हिसाब से जो है हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम अर्न बाय ए पर्सन एज ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज, कि वो अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इस वजह से उसको फैक्टर इनकम जनरेट होती है। अगर लेबर है तो उसको वेजेस और सैलरी मिलती है, अगर लैंड वो प्रोवाइड करता है तो रेंट है, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट। देखो जो कुछ जैसे रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन मिलती है तो दैट इज टेकन इनटू अकाउंट, बट अगर ओल्ड एज पेंशन है तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, यूनिलेटर पेमेंट है, तो इसको हम नेशनल इनकम के अंदर नहीं लेते क्योंकि ये अन अर्न इनकम होती है। फैक्टर इनकम के अंदर हम वही इनकम लेते हैं जो अर्न होती है, जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं द नॉट इंक्लूडेड। फैक्टर इनकम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्सड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में उनको वेजेस और सैलरी जो होती है कैश के फॉर्म में पे की जाती है, इवन अगर उनको कुछ पेमेंट जो होती है काइंड की फॉर्म में की जाती है जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो डेट इज ऑल्सो टेकन इन टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसी तरह ही जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड होता है जो कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे डाला जाता है, तो डेट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसी तरह ही देखो जो रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है तो डेट इज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बट अगर ये ओल्ड एज पेंशन है तो इसको इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। उसी तरह जो एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो जो उसने खर्चा किया होता है तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए उसको रिइंबर्समेंट होती है, तो डेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस के जो कंपोनेंट है रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है दो चीजों से हो सकता है, एक इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, एक इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है डेट इज द रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज के बदले में इनकम प्रोवाइड होती है डेट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, जो प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है डेट इज नोन एज ए डिविडेंड, और जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, और जो हिस्सा प्रॉफिट का कंपनी अपने पास रखती है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट होते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर देखो जैसे न्यूमेरिकल आता है वहां पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो इसके कंपोनेंट भी दिया है, और अगर हमने प्रॉफिट को लिया है तो दोबारा से इसके कंपोनेंट को लेने की वहां पे आवश्यकता नहीं है। मिक्स्ड इनकम, देखो ये जो मिक्स्ड इनकम होती है डेट इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन,
जो अपनी लेबर, लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं, जैसे एक एडवोकेट है वो अपनी प्रैक्टिस खोलता है, तो वहां पे वो अपनी सर्विसेज जो है लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चारों जो है यूज करता है। तो इनकम जो होती है वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का मिक्सचर होती है, तो यहाँ पे हम सेपरेट एस्टिमेट नहीं करते क्योंकि वो खुद से अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, बाहर से हायर नहीं करता। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में जो इनकम जनरेट होती है दैट इज ए मिक्स इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम जो होती है, देखो जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। यह आपने याद रखना है, अगर वैल्यू एडिट से करते हैं तो वहां पे जो इनकम आती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस आती है, एक्सपेंडिचर से भी करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस करते हैं, पर जब हम इनकम मेथड से लगाते हैं तो हमारे पास आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट नेचुरल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह अगर हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम और डेप्रिसिएशन को वहां पे हम ऐड कर देंगे। उसी तरह अगर हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम प्लस डेप्रिसिएशन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज नोन एज ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं तो देखो जो सेल और परचेज सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर पे किया जाता है उसको जो कमीशन पे किया जाता है सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड दैट इज टेकन इनटू नेशनल इनकम। जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, जो यूनिलेटरल पेमेंट होती हैं, जो अनअर्न इनकम होती है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, उनको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में नहीं लिया जाता। पर जो रिटायरमेंट पेंशन्स होती हैं क्योंकि आपने सर्विसेज दी हैं इस वजह से उनको दे आर टेकन इनटू अकाउंट। इसी तरह जैसे थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, तो उससे जो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते। उसी तरह जैसे सेल और परचेज शेयर की होती है तो उस पर जो ब्रोकरेज पे किया जाता है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड दैट इज टेकन इनटू नेशनल इनकम। अगर हमें ऑल ऑफ द सडन हमारी लॉटरी लग जाती है या कैपिटल गेन होता है तो दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। और उसी तरह जो ऑनर है अपने घर में रहता है तो उसका इंप्यूटेड वैल्यू जो होता है उसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी ली जाती है। और उसी तरह जो कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट के कंपोनेंट है, बट अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट दिया हुआ है तब हमने इनको सेपरेटली ऐड नहीं करना क्योंकि हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट ले चुके हैं। उसी तरह वेजेस और सैलरी इन कैश और काइंड जो होती है वो हमने लेनी होती है। और जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है दैट इज ए पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसी तरह जो रिटायरमेंट पेंशन है दैट इज टेकन इनटू अकाउंट, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेनी। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से इनकम टैक्स पे किया जाता है तो दैट इज नॉट टेकन इनटू नेचुरल इनकम। तो ये था हमारा इनकम मेथड, इसके न्यूमेरिकल जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थर्ड जो हमारा लास्ट मेथड है दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर जो नेशनल इनकम होती है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर उस पर जो खर्चा होता है उस वे से नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड के रूप में कैलकुलेट करते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर जो खर्चा कराता है, इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। देखो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स, देखो इंटरमीडिएट पे जो खर्चा होता है दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ताकि नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सके। तो फाइनल एक्सपेंडिचर को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको जी से हम करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि आई के रूप में एक्सप्रेस होता है,
नेट एक्सपोर्ट जिसके अंदर क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यहाँ पे हम सबको ये टोटल कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड होते हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा करते हैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर जो कंज्यूमर सर्विसेज के ऊपर खर्चा करते हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स जिनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कह देते हैं, जिनका प्रयोग जो होता है एक बार होता है, जैसे हम दूध लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, तो एक ही बार इस्तेमाल होता है। उसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम रेपिटेटिवली यूज कर सकते हैं, फ्रिज है, फैन है, टीवी है, कार है, तो ये जो खर्चा इन चीजों पे किया जाता है कंज्यूमर सर्विसेज, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। कॉमन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, दैट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स पर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सोनल, के जो आर्मी के अंदर जो हमारे देश की सुरक्षा कर्मचारी हैं उनके कंजम्पशन के लिए जो सरकार चीजें परचेज करती है, उसी तरह जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करती है, जो गवर्नमेंट के एजुकेशंस होती हैं, हेल्थ होती है, उस पर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में मेयर किया जाता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसमें होता है कि जो प्रोड्यूसर जो होते हैं जो फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, देखो ये जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर परचेज करते हैं इनको प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने यूज करना होता है, जैसे फार्मर जो है ट्रैक्टर परचेज करते हैं ताकि वो कल्टीवेशन कर सके, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो फिक्स एसेट प्रोड्यूसर परचेज करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी जिसको उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करना है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती है जो बिजनेस के द्वारा फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे वो घर बनाते हैं, उसी तरह सरकार जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट के तीन कंपोनेंट है, जो बिजनेस के द्वारा फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड, और जो फिक्स इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये होता है चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक ऑफ जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है उसके अंदर फिनिश गुड का भी स्टॉक होता है, सेमी फिनिश गुड का भी होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होता है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है डेट इज द क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमने फिक्स एसेट के ऊपर खर्चा किया है, जब उसके अंदर से हम चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके अंदर जब हम अगर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दे तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाती है। उसी तरह देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम देखते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हमने अकाउंटिंग ईयर के अंदर की है। देखो जो एक्सपोर्ट होती है ये बाहरले देशों को भेजी जाती है, ये जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो फॉरनर्स हैं जैसे हमारे इंडिया की चीजें बनी हुई हैं उनके ऊपर जो खर्चा करते हैं, एक्सपोर्ट आर द एक्सपेंडिचर मेड बाय द फॉरनर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरह इम्पोर्ट होता है जो बाहरले देशों की चीजें बनी हुई हैं वो हम खर्चा करते हैं। एक्सपोर्ट जो होती है जीडीपी के अंदर इंक्लूडेड होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट होती है, तो यहाँ पे हम नेट एक्सपोर्ट लेते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर से जो इम्पोर्ट होती है उसको हम माइनस करते हैं।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर देखो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसी तरह जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उन सबको हम जोड़ देते हैं, और उसी तरह नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर एक्सपोर्ट हमारी इम्पोर्ट से कम है तो ये नेगेटिव है। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास जो आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट, इन सबको जमा कर दे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। और अगर हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो उसके अंदर से जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। उसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसी तरह हमारे पास जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है, और अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाती है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है तो उसके अंदर हमने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे जो खर्चा होता है डेट इज टेकन इनटू अकाउंट, इंटरमीडिएट पे जो खर्चा होता है डेट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इवन जो हम सेकेंड गुड पे खर्चा करते हैं उसको हम नहीं यूज करते क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी ही ले लिया है, और उसी तरह जो शेयर एंड बॉन्ड पे हम खर्चा करते हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये पेपर क्लेम्स होते हैं तो ये फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा नहीं होता। जो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट पे खर्चा करती है जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, डेट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट क्योंकि ये यूनिलेटरल होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं तो ट्रांसफर पेमेंट जो है दे आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। उसी तरह जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजम्पशन जो है डेट इज टेकन इन टू अकाउंट, जैसे हमने जो चीजें बनाई हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखी हैं तो उनके ऊपर जो इम्प्यूटेड वैल्यू वो कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह अगर हम अपने घर में रहते हैं तो उसका भी इम्प्यूटेड रेंट कैलकुलेट करते हैं, डेट इज टेकन इन टू नेशनल इनकम। तो ये प्रिकॉशंस हमने यूज करनी है